पहले खेल होगा पीछा, हो अच्छा। हो हाँ। पीछा जेल होगा पहले खेल होगा पीछा जेल होगा खाली यही कहानी कह कह कर हम हेड़ा बबुआ लोग बबुआ बबुआ ती तेज रबुआ के पास बंदूक भी है गुल्ढ़ारीछा सब रखा है लोग अच्छा। जब बीमार होता है एकदम जाता है लोग पूरा लेके उसी से मार पीट के पूरा घवाइल कर देता, देता एक है के मरल बाबुआ धो नब बबुआ धन तो, अच्छा। तो एक ही ले ले लमारा बबुआ के कथा हम लोग कुछ बात ही नहीं कर सकते जो सख्त संदेह है उनको कार्रवाई क्या हुआ है अभी तक कुछ भी करवाई नहीं हुआ कुछ नहीं कुछ करवाई हुआ ही। नहीं कुछ नहीं अपराधी खुलियाम घूम रहा है खुलियाआम छपरा जिला के कटिया पंचायत के कटिया गाँव में है और नज़दीकी थाना जनता बाज़ार पड़ता है इसी घर में बीस मई को शादी होता है काफ़ी धूमधाम से सा शादी होता है और शादी इस तरह के होता है कि उन्नीसवें दिन बाद उस लड़के को हत्या कर दिया जाता है गोली मार को हत्या करते हैं और गोली लग जाता है एक मम्मी के सामने एक मतारी के सामने अगर गोली लगे तो समझे कि उस मतारी के पीछे उस मतारी के ऊपर क्या बीता होगा आज वो उनके परिवार लोग हैं हमारे साथ में आइए उन परिवार से बात करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुआ शादी होता है बीस मई को और नौ जून को गोली लग जाता है उनके पिताजी हैं उनके भाई हैं सब लोगों से आज बात करेंगे कि आखिर घटना कैसे क्या हुआ है क्या नाम है चाचा आपका राजेंद्र राय आपके बेटे के साथ कैसे क्या हुआ घटना मेरे बेटे के साथ वो लोग तीन चौकरी मारा है हाँ। अब देखा कि रोड क्लियर है हाँ है हाँ। तो उसका मम्मी वही सोई थी हा और मम्मी के सामने गोली मार दिया बेटे के कितने दिन पहले शादी हुआ था और कितने दिन बाद गोली मार दिया गया जैसे कि पंद्रह को तिलक था अब हाँ। बीस को बारात था और ठीक बीस नौ uh, उन्नीस no. दिन के बाद गोली मार दिया उन्नीस दिन बाद ही उस बच्चे को गोली मार दिया जाता है और बच्चे दो दिन पहले एक्सपायर कर जाते हैं हाँ, हाँ, दो दिन बच्चे माने में दो महीना इक्कीस बाईस दिन हॉस्पिटल हाँ। में झेल कर हाँ। बच्चा माने में दो दिन पहले एक्सपायर कर गया।, अच्छा, हाँ। गया अच्छा गोली जिन लोगों ने मारा उनके ऊपर एफ आई आर किए हैं आप एफ आई आर करने के बाद क्या सुनवाई हुआ है कुछ नहीं सुनवाई हुआ है प्रशासन क्या बोल रही है प्रशासन बोल रही है आपका बयान सही नहीं है अब अच्छा। प्रशासन है लड़का डेट कर गया आ, सब कुछ हुआ है लेकिन प्रशासन देखने तक नहीं आई या न पूछी कि आ, क्या हुआ ना हुआ अच्छा। हाँ। समझिए कि उस परिवार के पीछे क्या राज चल रहा है प्यार समझिए कि वो कितना दबंग लोग है और यहाँ के प्रशासन कैसी है कि उस परिवार को गोली लग जाता है गोली लगने के बाद एफ आई करते हैं एफ अभी तक ले कार्रवाई नहीं हुआ है और जो भी अपराधी है दबंगई से बाहर घूम रहे हैं क्या सही बात है एकदम ऐसे ही हो रहा है कोई एक्शन नहीं पुलिस के कोई एक्शन नहीं ले कुछ नहीं है एक दिन के लिए पकड़ा लोग फिर छोड़ दिया लोग उसके बाद कुछ नहीं किया है लोग पुलिस कुछ नहीं किया है अच्छा जिस जिस दिन गोली लगा था आप लोग के सामने लगा था गोली नहीं हम लोग तो मतलब चार भाई थे शादी ब्याह हो गया तो तीन भाई हम लोग चले गए अच्छा मम्मी द्वार पे थी खाना पीना खा के सब कुछ सोने ही जाने वाला था वो हाँ। पिंटू भैया सोने चले गए थे हाँ। तब तक दो लोग आया लोग बाइक से हाँ। वो शाम से ही इधर राउंड मार रहा था लोग अच्छा। तीन चार बार राउंड मारा लोग जो सामने घर है पड़ोसी का घर है ललन राय राजू राय राजू राय से मिला लोग दो बार मिला है लोग फिर नौ बजे रात लगभग नौ बज रहा था रात को हाँ। उसके बाद आया लोग पिंटू भैया कहाँ है पिंटू भैया कहाँ करके बुलाया लोग अच्छा। मम्मी द्वार पे थी यहाँ पे अच्छा, वो लोग प्यार से वो लोग बुलाए कि पिंटू हाँ। भैया कहाँ है लेकिन हाँ। पिंटू भैया बाहर आते ही पिंटू भैया गोली मार हाँ पिंटू भैया कहाँ तो मम्मी समझी कि कोई दोस्त आ रहे यारे गई बुला के लाई गए अभी पास में जा ही रहे थे तब तक के गोली मार दिया गोली मारने के दस मिनट पहले ही यहाँ से बलोर लेके निकला था अच्छा। बात बात करके उन लोगों से हाँ। बलोरा लेके निकला था जैसे ही यहाँ से निकला उसके दस मिनट बाद ही मामला को गोली मारा है लोग फिर भागते रहा है लोग अच्छा, अच्छा। अच्छा। आप लोग आर किए हैं जो सख्त संदेह है उनको कार्रवाई क्या हुआ है अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है कुछ नहीं कुछ करवाई हुआ ही नहीं कुछ नहीं अपराधी खुलेआम घूम रहा है खुलेआम घूम रहा है अभी ऐसे इधर उधर बोल रहा है लोग कि अभी तो एगो भैल अभी तो आउट जय हसन अच्छा यानी कहीं ना कहीं आप लोग के ऊपर भी खतरा हाँ। खतरा मंदरा रहा है हाँ। और एक लोगों को समझिए कि यहाँ के कि कितना अपराधी दबंगई से कर रहा है कि अभी तो एक मर्डर हुआ है अभी और लोगों का मर्डर हुआ अच्छा ये बात आप लोग प्रशासन तक पहुँचाए हैं प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे कुछ नहीं बोल रहे प्रशासन बॉडी लेके आ रहे थे तो पोस्टमार्टम के लिए भी बोली कि वहाँ पे पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा वहाँ पे मैंने बयान दिया सब बताया उसको हाँ। फिर भी उसके बाद भी प्रशासन का अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं कोई एक्शन नहीं ले कोई एक्शन नहीं है तीस तारीख को प्रशासन आई थी छपरा में पोस्टमार्टम हाँ। के लिए हाँ। वहाँ पे भी रिपोर्ट लिखवाया मैंने नाम भी दिया ललन राय राजू राय मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई दारे घूम रहा है अभी एसपी साहब से आप क्या बोलना चाहते हैं यही चाहेंगे कि भाई को न्याय मिले मेरे जो भी आरोपी है उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए क्योंकि मेरा तो भाई चला गया अच्छा आप लोग एडमिट जहाँ करवाए थे लगभग वहाँ पर तो काफी खर्चा हुआ होगा लगभग कितना खर्चा आप लोग किए हैं भाई के ऊपर भाई भाई को जान बचाने के लिए लगभग बीस लाख लग ले खर्चा हो गया है लगभग बीस लाख रुपया लेकिन भाई तक भाई, भाई भी नहीं रहा और भाई को न्याय तक भी नहीं मिल रहा है कुछ नहीं रहा सब गया परिवार काफी पीड़ित है उनकी माँ है क्या हुआ था आ, आपके आपके यहाँ के सामने आपके बेटों को मार दिया था और कभी तक न्याय नहीं है नाम तो बैठे रहें तड़किए रह सन जाकर बतिया गया हाँ। तो है राजू राय के नामक राजू राय मेहरारू बहन सब रह स चाची मौसी सब रह सबके राय रहे तबा बतिया बस चल गल बलोरो आ आहो गइल 10 मिनट तुरंत सा फेर ओकरा दुआरिया जाके ओकरा मौगी से बतिया के हाँ। रजुआ के आ तब कहला सा कि पिंटू भैया चाल कर बबुआ के लागल चाल पिंटू भैया पिंटू हम कन की लैके नचलें सक कूदल सा ब्याह में उहे लैक वहा हमें स दिल में छलना तल तो ता बबुआ जाते हे जायल तक हे बबुआ का लैकवा बुलाव तारा ताले गोली तम आब भिड़ी भी सटे तल गोली मार दिल अच्छा। फुट से बाजल तो हमू उठनी नाम कन कैक हम मजा कर दिन वह ठा रहे होकर तब टोव मारे गोली तो मार दिल सह लगनी छाती पीट के चिल्लाए तो एक दुआर पर बैठे पाँच गोरा वो खेता खेती चल गए के आगे चल गए साँ आई जनरबर से घूम गए चिल्लाते रहतेर ओकरा बाद में लोग आद लूद के ले गनी <laughs> एक केहू बेटा ना रहे हमारे बाबू रह दस दिन के बाद जाए पहले तो ओजा फोन कर दे लकी ऐसा फरिया कि जी ये बतिया हो गए बबुआ एक माँ के सामने उस बेटे को गोली मार जाता है और धमकी पे धमकी मिल रहा है कि अभी और लोगों को मरना है और प्रशासन कहाँ सोई है प्रशासन अभी तक कोई न्याय नहीं दिलवाया अपराधी खुलेआम घूम रहा है इन लोगों का नाम है तो कि अपराधी के बबिया हाँ। बेटा उठा नो दमाद मझौली में संगे कहले भैया है अभी तो एक गो मरल बाढ़ी बाएम तबे जान छोड़े चार गो के अथी जे बबुआ धन तब बबुआ तो एकाएक ले ले लमारा बबुआ के कथा न क्या बात करे हम लोग कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं अब कैसे क्या बताएं इस पीड़ित प्री, परिवार को चाहेंगे भैया कि थोड़ा सा घर दिखा दीजिए यही घर है और यही जमीनी विवाद के चलते शायद लोग बता रहे थे भैया कि वो घर के लिए तीन लाख रुपया लोग दिए थे आज भैया यही घर था और घर के लिए लोग तीन लाख रुपया दिया था लेकिन तीन लाख बात, बात हुआ था और कितना आप लोग दिए थे डेढ़ लाख दे दिए थे उसके बाद बोला गया कि थोड़ा दिन में और देंगे और बाकी फिर कार्रवाई कर देंगे अपना जो भी होगा अच्छा। लेकिन पैसा भी दे दिए जमीन भी अभी तक नहीं हुआ और जहाँ जहाँ जा रहे हैं आप लोग को वहाँ पे ऑब्जेक्शन लग रहा है कि यहाँ पे घर नहीं बनाना नहीं बनाना है यहाँ से छोड़ के इसको बोले चलो शादी ब्याह है तो कम से कम पीछे में एक जमीन है वहाँ पे बना ले वहाँ पे बनाने गए तो वहाँ पे भी राजू आए और ललन आए पुलिस को फ़ोन कर दिया लोग बोला लोग ऐसे नहीं ऐसे ज़मीन का बंटवारा नहीं है अब बाप दादा के ज़माने से सब जमीनी वैसे ही आ रहा है वहाँ पे आके फिर माटी गिर रहा था तो ट्रैक्टर वाले जितने आ रहे थे सबको मार मार के भगाने लगे लाठी लेके वर्षा लेके दौड़ने लगे वो सब डर के भाग गए वहाँ पर नहीं बनाने दिया लोग फिर ऐसे इसी घर में शादी हुआ और शादी होने के बस बीस दिन बाद ही ऐसा कर ही दिया लोग और घटना ऐसा घटा कि आप आप लोग भाई को भी नहीं बचा पाए क्योंकि अब वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है और इन लोगों को भी जान के खतरा है लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि हमारे ऊपर रक्षा सुरक्षा हो और जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और यहाँ पे हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जान के खतरा है क्योंकि जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि एक भाई को मार दिया जाता है और हम लोग ऊपर खतरा है तो कहीं ना कहीं कही जो भी यहाँ पे प्रशासन है वहाँ पे दबंगई से लोग जा रहे हैं पैसा दे रहे हैं इन लोग का ये भी कहना है कि वो लोग जा रहे हैं पैसा दे रहा है लेकिन फिर भी हमको धमकी मिल रहा है और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी यहाँ पर जान के खतरा है लेकिन मैं सरकार से और यहाँ के जो भी नज़दीकी थाना है थाना तो कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लेकिन एसपी साहब से इन लोग का रिक्वेस्ट है कि सर आप इन अभी हमारे साथ में आए और हम लोग का दुख व्यक्त कीजिए और हम लोग को करी से करी जो अपराधी है उनको सजा मिले और हम लोग को न्याय मिले हाँ वही है अब जो भी है देखिए घटना तो, 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 तो हुआ तो हुआ, तो हुआ, हुआ लेकिन अब तो न्याय चाहिए कम से कम हमको न्याय मिल जाए कि उसी से हमारा थोड़ा सबूर मिले ऐसे दिन दारे घूम रहा है लोग अभी इधर उधर बात करता है लोग अभी तो और भी मारना है अब कुछ नहीं करने देना इन लोगों को यहाँ से भगाएंगे तभी मानेंगे ऐसा बोलना है इनका यहाँ से भगाएंगे तभी यहाँ से मानेगे नहीं तो तब तक नहीं ऐसे होते रहेगा अच्छा। मुझे क्या बोले अच्छा। परिवार अच्छा। काफी दुख है हाँ। बंदूक भी है उन लोगों के पास राजू राय के पास हाँ। बंदूक भी है हाँ। पुलाड़ी बरछा सब रखा है लोग जब बीमार होता है एकदम जाता है लोग पूरा लेके उसी मार पीट के पूरा घवाइल कर देता है लोग अच्छा यहाँ के जो नजदीकी विधायक हैं आपके विधायक से बात हुआ विधायक से क्या बोले विधायक विधायक से बात नहीं हुआ है मुखिया जी से क्या बात हुआ, हुआ। मुखिया जी से बात हुआ है तो वो लो लोग भी उतना मतलब साथ नहीं देता है लोग साइड लो, रहता लो, है सब लोग कहीं ना कहीं मिला हुआ है और एक मिलकर आप लोग को चाह रहा है कि इनको दबा दे और दबाने के साथ साथ इनको यहाँ से खत्म ही कर दे वही है। इन लोगों का है कि यहाँ से छोड़ के चले जाओ जहाँ जाओ यहाँ रहोगे तो ऐसे मारते रहेंगे एक मिनट भैया आइए इनके पिताजी से बात करते हैं कि अब जो घर में एक विधवा औरत है उनके साथ में कैसा आप लोग न्याय करेंगे जो आपकी जो पतो हैं उनको कैसे क्या आप लोग करेंगे देखिए मेरा पतो जो है हमारा बेटी के समान है हम चाहते हैं पतो हर हालत में हमारा घर में रहे आ, खुशी मंगल से रहे हम लोग उसको उत्साहित करते है हाँ। संतोष देते हैं हाँ। कि घर का खुशी रहे खुशी रहे है हाँ। जो भी हाँ। है ए घर सजल बन रहे है हाँ। आपको कहो कुछ दिक्कत नहीं होगा, होगा। इसीलिए हम लोग खुश रहते हैं कि हम तो हम खुश रखने के लिए हाँ। आप लोग खुश रहते हैं कि हाँ। मेरा हाँ। जो परिवार है कभी हाँ। दुख में मर जाए हाँ। और उस बच्ची के ऊपर कभी दुख वाला घड़ी ना घड़ी ना आए कि हमेशा वो प्रशंस रहे अच्छा हाँ। एक पप्पू यादव जी है। आप हैं आप लोग जानते ही होंगे पप्पू यादव मेरे वीडियो देख रहे हैं तो पप्पू यादव से आप क्या बोलिएगा किस तरह का न्याय मांगेगा पप्पू यादव क्योंकि गरीबों के लिए असहायों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं पप्पू यादव जी पप्पू यादव जी से हमारा यही आग्रह है कि हम बोलेंगे कि हमारा लड़का कौन सा गलती किया था ए बाबू के उन्नीस दिन बारात मन में बिता उन्नीस दिन में शराध बिया सब कुछ हो गया है कि हम चाहते हैं कि आरोपी जो है मारने वाला है कड़ी से करीब उसको सजाए मिले अब भविष्य के लिए हमारा बाल बच्चा खुली आम स्वतंत्र रहे लेकिन धमकी दिया जाता है कि एक मारा फिर और एक को मारेंगे, मारेंगे। तब तो यहाँ से लोग भागेगा यानी कि हाँ। उलो, उलो हाँ, वो हाँ, लोग वो लोग दबंग है इसका मतलब हाँ वो लोग दबंग है वो लोग के साथ में बहुत सपोर्टर है हाँ, हाँ। थाना पुलिस के वो लोग कुछ नहीं बोलता है खाली बोलता है कि पहले खेल होगा पीछा जेल होगा अच्छा पहले खेल होगा पीछा जेल होगा खाली यही कहानी कह कह कर हम लोग के चिराता रहता है लोग